दिल्ली के बेगमपुर में मदरसे के 3 छात्रों की पिटाई का विवाद उलझता जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि भारत माता की जय और माता की जय न कहने पर उनकी पिटाई की गई। भारत माता की जय और माता की जय बोलने पर 3 मदरसा छात्रों की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामला 26 मार्च का है। पीड़ित दिलकश, अजमल और नईम का कहना है कि वो शनिवार को पार्क में खेल रहे थे। उसी दौरान साहिल और पिंटू अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उन पर भारत माता की जय और जय माता के नारे लगाने का दबाव बनाया, लेकिन जब उन्होंने नारे लगाने से इनकार कर दिया तो लड़कों ने उनकी डंडों से पिटाई की। शिकायत के बाद अब पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नारेबाजी का ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है क्योंकि पुलिस और मीडिया के पास आए पीड़ितों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दर्ज कराई गई रिपोर्ट में सिर्फ झगड़े की शिकायत की गई थी, लेकिन मीडिया में आए बयानों में पीड़ितों ने भारत माता की जय और माता की जय जैसे नारों की वजह से पिटाई का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पुलिस इसे आपसी झगड़े का मसला बताकर मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बचती नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये मामला आपसी झगड़े का है या फिर देश भर में फैली भारत माता की जय पर हो रही राजनीति का ये छात्र शिकार हुए हैं।